नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईवे ग्लोबल। चलिए आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जो आईटीआई के सर्टिफिकेट के दम पे 1 करोड़ के टर्नओवर वाला कंपनी खड़ा कर दिया। एक साधारण घर का लड़का, एक किसान घर का लड़का, एक गांव का लड़का जो आईटीआई करता है और आईटीआई करने के बाद 1 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को खड़ा कर देता है। कैसे करता है, क्या ये मुश्किल है? आइए इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। हम लोग भी आईटीआई करते हैं, लेकिन क्यों बेरोजगार हो जाते हैं, क्यों हमें नौकरी नहीं मिलती है, क्यों हम पैसा नहीं कमा पाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा जिसके वजह से आप बेरोजगार है। हमारे भी बहुत सारे ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, स्विंग कटिंग, फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे ट्रेड है जिसकी अपार अपॉर्चुनिटी है कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन कभी आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, कभी आपने सोचा ही नहीं। आज बेहद ही इंपॉर्टेंट लेसन आपको पता चलेगा कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं आईटीआई के सर्टिफिकेट के दम पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस छात्र की कहानी जो आईटीआई करने के बाद 1 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी को खड़ा कर देता है। संगाली जिले का रहने वाला यह छात्र संगाली गवर्नमेंट आईटीआई से जी गेन फिक्स्ड ट्रेड से आईटीआई किया। और आईटीआई करने की पहले की कहानी आपको थोड़ा सा बताता हूं। जब ये स्कूल लाइफ में था, जब स्कूलिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय इसका मेन मकसद था कि हम एक स्वरोजगार, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का वर्कशॉप खोलेंगे, क्योंकि आसपास ऐसा माहौल होगा जिसके बेसिस पे वो चाह रहा था कि स्वरोजगार करेंगे, एक अच्छा टेक्नीशियन बनेंगे। और कैसे बनेंगे इस पे विचार करते हुए उसको लगा कि आईटीआई कर लेंगे, आईटीआई करने के बाद मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद ही जब मैट्रिक पास किया तो आईटीआई में एडमिशन लिया, और जिस आईटीआई में एडमिशन लिया उस आईटीआई का नाम था संगाली गवर्नमेंट आईटीआई महाराष्ट्र, और जिस ट्रेड में एडमिशन लिया उस ट्रेड का नाम था जिग एंड फिक्स्चर। जिग एंड फिक्स्चर जो ट्रेड होता है उसमें बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं, मेनली ये टूल्स का डिजाइनिंग करने वाला ट्रेड होता है, जिसमें टूल्स, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जिससे हम लोग उपयोग करते हैं घरेलू लाइफ में, बहुत सारे इंडस्ट्री में टूल्स यूज होता है। आईटीआई में एडमिशन लेने गए तो दो चीजों पे फोकस किए, पहला कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए, कॉलेज में वर्कशॉप होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, वहां पे व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्लेसमेंट की सुविधा होनी चाहिए। अपने ट्रेड का चुनाव ईमानदारी से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, किसी के कहने से आपने ट्रेड का चुनाव कर लिया। जैसे किसी ने बोला कि फिटर में ज्यादा जॉब आता है तो आपने फिटर का चुनाव कर लिया, किसी ने बोला कि इलेक्ट्रीशियन में ज्यादा जॉब आता है तो इलेक्ट्रीशियन का चुनाव कर लिया, किसी ने बोला कि ड्राफ्टमेंट में ज्यादा आता है, किसी ने बोला फैशन टेक्नोलॉजी में, किसी ने बोला ड्रेस मेकिंग में, तो किसी के कहने से ट्रेड का चुनाव कभी नहीं किया। वो अपने मन से जिस ट्रेड में उसको मन लगता था वही ट्रेड का चुनाव किया, जिग एंड फिक्स्चर ट्रेड से उन्होंने आईटीआई किया, क्योंकि उसके आसपास गांव में, शहर में बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप थे जहां पे टूल्स इक्विपमेंट बनाए जाते थे और उसको इंटरेस्ट था टूल एंड इक्विपमेंट बनाने में, तो इसीलिए वो जिग एंड फिक्स्चर ट्रेड से आईटीआई करना शुरू किया। आईटीआई करते समय वो काफी खुश था, इसलिए खुश था क्योंकि जो अंदर से इच्छाएं थी, जिस ट्रेड के बारे में वो सोचता था, आज उसका सारा प्रैक्टिकल उसके सामने था। और सिंगाली गवर्नमेंट आईटीआई में वर्कशॉप बेहद ही अच्छा है, वहां से जो आईटीआई बच्चा करता है उसको वर्कशॉप प्रॉपर कराया जाता है, प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, प्रॉपर पढ़ाया जाता है किस तरह से इस ट्रेड का मार्केट में स्कोप है, ये सारी चीजें वहां के इंस्ट्रक्टर द्वारा बताया जाता है। खुद अक्षय राम सिंधे ने रिसर्च किया कि हमारे ट्रेड का कहां कहां अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोगों में सबसे बड़ी गलती है कि आज गूगल हम लोग यूज नहीं करते हैं, यूट्यूब पर हम लोग जाते नहीं है, बेवजह की कहानियां, बेवजह के यूट्यूब चैनल देखते रहे, जहां पे कोई लर्निंग मिलता है, जहां पे कोई सीख मिलता है उस चैनल को हम लोग देखते ही नहीं है। आपको चाहिए कि आपके अपने ट्रेड में कौन कौन सा उस चैनल है जो आपको अच्छा बताता है, आपके ट्रेड में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, आप आगे क्या कर सकते हैं। गूगल में सर्च कीजिए कहां कहां हमारे ट्रेड का नौकरी आती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं भी इसका बिजनेस हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रेड से कंपनी वाले कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, इस ट्रेड वाले जाते हैं कंपनी में तो क्या काम करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रिसर्च आप कर सकते हैं। लोकल स्तर पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग है, ड्रेस मेकिंग है, तो आप
घर पे बैठ के टेलरिंग वाला काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग वाला काम कर सकते हैं, ब्यूटिशियन वाला काम कर सकते हैं, फिटर है तो आप प्लम्बर का काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे फिटर से रिलेटेड वर्कशॉप है जहां पे अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। बस आप सोचिए, एक बार बैठ कर सोचिए कि क्या आपके पास संभावनाएं नहीं है। बिल्कुल 100% है। बस एक ही कमी है कि आपके अंदर जानकारी की अभाव है, आपके अंदर जानकारी की कमी है, आपके अंदर स्किल की कमी है, आपको प्रॉपर स्किल नहीं आता है। ये बात को राजा राम सिंधे बेहद अच्छे से जानता था। उन्होंने अच्छे से इस चीज पर फोकस किया, अपने आप को इंप्रूव किया, स्किल को इंप्रूव किया, अपने नॉलेज को इंप्रूव किया। आईटीआई पास किया तो सबसे पहला जो डिसीजन लिया वो लिया अप्रेंटिसशिप का। उन्होंने अपने ट्रेड से रिलेटेड वाले कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप किया। हम लोग क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं किसी भी कंपनी से कर लेते हैं जहां पे उस ट्रेड का कोई नामो निशान नहीं होता है। जैसे आप कोपा से और आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, जैसे आप वेल्डर से हैं और कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। जिस ट्रेड का वैकेंसी सबसे ज्यादा जिस कंपनी में आती है वहीं से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, जिस ट्रेड का वहां पे यूटिलाइज होता है उसी ट्रेड से वहां पर अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। इसलिए क्योंकि उस ट्रेड का वहां पर बहुत सारा टेक्नोलॉजी दिया गया होगा, बहुत सारे नए नए मशीनें लगे होंगे, बहुत सारा एक्स्ट्रा रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी आया होगा उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। राजा राम सिंधे ने ऐसे कंपनी का चुनाव किया जहां पे जीग एंड फिक्सर से अच्छा नॉलेज दी जाती हो, अच्छा कंपनी में टेक्नोलॉजी हो और जीग एंड फिक्सर का वहां पे काम चलता हो, उस कंपनी से इन्होंने अप्रेंटिसशिप किया। और अप्रेंटिसशिप करने के बाद राजा राम सिंधे अप्रेंटिसशिप करके घर आया तो सोचा कि मैंने आईटीआई कर लिया, अप्रेंटिसशिप कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए था। मुझे गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी कम है क्योंकि गवर्नमेंट में जीग एंड फिक्सर का वैकेंसी बहुत कम आती है और उसको पैसा कमाना है, मेहनत करना है, मेहनत तो बहुत करेंगे, नॉलेज भी बहुत है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला डिसीजन लिया, क्योंकि पैसे थे नहीं उसके पास, तो सबसे पहला डिसीजन लिया कि हमें लाइट मॉडल बिजनेस करना है, मतलब किसी के सहारे हमको बिजनेस करना होगा। वर्कशॉप थे बहुत सारा, ऐसे छोटी छोटी कंपनियां थी जहां पे जीग एंड फिक्सर वाले ट्रेड का यूटिलाइज किया जा सकता था, उसके उपयोग वाले बहुत सारे वर्कशॉप थे, वहां पे जाकर ये काम अपना शुरू किया। पहले तो नए नए टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी था कि कंपनी में क्या काम होता है, किस तरह से मशीनें चलती है, किस तरह से हम नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में एक्यूरेसी क्या होती है, कैसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, टॉलरेंस क्या होता है, कितना हमको टॉलरेंस रखना होगा, मतलब अपने ट्रेड का डीपली प्रैक्टिकल अध्ययन के लिए इन्होंने वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया, वहां पे काम करना शुरू किया। पैसे बहुत कम मिल रहे थे लेकिन वो खुश था क्योंकि लर्निंग प्रोसेस था, सीखना था उसे लाइफ में। पूरे जिंदगी ध्यान रखिएगा, अगर पैसे देकर आपने काम किया तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होइएगा। अपॉर्चुनिटी देकर काम कीजिए, अपना गोल देकर काम कीजिए। अच्छा है, राजा राम सिंधे ने देखा कि आज मैं भले कम पैसे कमा रहा हूं लेकिन काम सीख रहा हूं, जिस दिन मेरा स्किल इंप्रूव हो जाएगा, जिस दिन हम कंपनी के प्रोडक्ट बनाना जान जाएंगे, उस दिन के बाद मेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। सच यही हुआ, उन्होंने लगातार मेहनत किया और मेहनत करने के बाद सब चीज उसको सीख गया। अब उसे समझ में आ गया कि हमें कंपनी को प्रोडक्ट कैसे बनाकर देना है, कैसे कोई कंपनी के पास हम टाई अप कर सकते हैं, कैसे किसी कंपनी को नए नए प्रोडक्ट बनाकर हम दे सकते हैं। और शुरुआत किया अपना पहला वर्कशॉप कर रहा था, पहला अपना छोटा सा सेटअप तैयार कर रहा था। उस समय उन्होंने बोला था, सोचा था कि अच्छा समय कभी आता नहीं है, अच्छा समय को लाना पड़ता है। और आज हम लोगों के अंदर यही कमी है, हम लोग बैठकर इंतजार करते हैं कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ता है, अच्छा समय लाना पड़ता है, आता नहीं है। और इसी के बेसिस पे, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। कंपनी कंपनी घूमकर बहुत सारे कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट में मिलकर टाई अप करने की कोशिश किया कि मैं आपको सस्ते में प्रोडक्ट बनाकर दूंगा, क्या आप मेरा प्रोडक्ट लेंगे। बहुत सारे वर्कशॉप में जाकर मिला और बोला कि अगर आपके पास काम एक्स्ट्रा हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, मैन पावर की कमी हो, तो आप अपना काम मुझे दे सकते हैं, हम आपको काम कर देंगे और पैसे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह का टाई अप करके बहुत सारे कंपनी और वर्कशॉप से जुड़ गया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। आज अक्षय राजा राम सिंधे के पास 5 टर्निंग का वर्कशॉप है और 1 वर्टिकल मशीनिंग का वर्कशॉप है और इनके पास 16 पावरफुल लोगों का टीम है और ये 16 पावरफुल लोग ही कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ हो गया तो डीजीटी ने खुद इनको पुरस्कृत किया और अपने फेसबुक पेज पे, ट्विटर हैंडल पे, यूट्यूब पे इनका
तस्वीर लगाकर कंग्रेचुलेशन बोला कि आईटीआई के एक छात्र ने 1 करोड़ को टर्नओवर वाली कंपनी को खड़ा कर दिया और ये असाधारण काम था। ये सब कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हर कोई कर सकता है। अपने अंदर वो जुनून लाना पड़ेगा, अपने अंदर वो क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्किल को सीखना पड़ेगा, काम करने की शुरुआत करना पड़ेगा। सोचना नहीं है, आप सोचते रह जाइएगा कुछ नहीं कर पाइएगा, स्टार्टिंग करना पड़ेगा। आप ना आईटीआई को आप बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि ये व्यवसायिक कोर्स होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। ये सारे ट्रेड का उपयोग अपने लोकल स्तर पर कर सकते हैं, अपने आसपास मोहल्लों में कर सकते हैं, अपने गांव शहरों में जाकर आप अपने रोजगार धंधा शुरू कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो इच्छा जगनी चाहिए। हम ना दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, बंगलोर, पुणे हर जगह जाते हैं काम करने, कि वहां पे पूरे लाइफ आप 10,000 से लेकर 15,000 रुपए कमाते रह जाएंगे। इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, कंपनी वाले आपको देंगे ही नहीं। काम को सीखिए, किसी भी कंपनी में जाइए, काम सीख लीजिए और अपना खुद का रोजगार धंधा कीजिए। एमएसएमई डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, जहां से आपको आसानी से लोन मिल जाता है कोई भी रोजगार करने के लिए। आप एमएसएमई से जुड़िए, आप अपना रोजगार धंधा के बारे में सोचिए। जैसे लड़कियों का जो ट्रेड है, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, स्विंग कटिंग, ब्यूटिशियन, ये सारे जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड वाले लड़कियां अधिकतर आप घरों में बैठी रहती हैं, आईटीआई करके सरकार को दोष देती है, आईटीआई कॉलेज वाले को दोष देती है कि मैं आईटीआई कर लिया, बेरोजगार है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने ना कभी करने का सोचा ही नहीं। आपके लिए तो हजार अपॉर्चुनिटी है लोकल स्तर पे। अगर एक मोहल्ले में अगर आपने अपना शॉप एस्टैब्लिश कर दिया ना, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग सोचते नहीं है। अगर मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते इस मामले में, तो आप इजी वे कोचिंग सेंटर पटना के ऑफिस में आकर बात कर सकते हैं, आपको हम हेल्प करेंगे। कैसे बिजनेस सेटअप करना है, क्या करना होगा, कौन से एमएसएमई का प्रोग्राम है, इत्यादि की जानकारी हम दे सकते हैं। और जिस तरह का भी आपको हेल्प चाहिए, हम मदद करने के लिए तैयार है। आप लोगों के लिए ही ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन AITO का निर्माण किया गया है, और इस फेसबुक ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे तो आपके बिजनेस से संबंधित, एग्जाम का संबंधित, गवर्नमेंट जॉब का संबंधित बहुत सारा जानकारी मिलेगा। और आईटीआई का न्यूज हर 1 घंटे बाद अपडेट किया जाता है, आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आईटीआई करके कुछ करना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए, वीडियो कैसी है, केस स्टडी अच्छा लगा क्या, और भी इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि और भी वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट है जो आईटीआई के फील्ड में, जो आईटीआई करने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर चुके हैं। और भी लोगों के इस तरह का स्टोरी जानना चाहते हैं, और भी केस स्टडी जानना चाहते हैं, तो आज ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करके सारे व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर फैला दीजिए, जिससे बहुत सारे आईटीआई करने वाले बच्चों को एक मोटिवेशन मिले, एक कुछ करने का जुनून मिले। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।